और मैडम जी आ गए रण देण दे। हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आप देख सकते हैं हिमाचली फौजी आ गए हैं गाड़ी लेके, और ये अपने ससुराल से आ रहे हैं, और साथ में लड्डू भी गए थे अपने माइक के, तो वो भी आ गई है। तो आप देख सकते हैं डॉन क्या हाल है। ला 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 बड़े डॉन ते आए, ए आए बड़े डॉन, बड़े डॉन आ गए। कहाँ आ गए पप्पू? और मैडम जी आ गए रण देण दे। गाइस, अगले दिन हम जा रहे हैं फिर से घूमने के लिए हमीरपुर, और थोड़ी बहुत हम शॉपिंग करेंगे। तो चलो बाय, देखते हैं हमीरपुर करने जा रहा है, दिखाते हैं आपको। हम बैठ गए हैं गाड़ी में। गाइस, आप देख रहे हैं गोलू सो गई थी, अब उठी है ये, और हम पहुंच गए हैं हमीरपुर के अणु जगह में। तो ये है अणु कॉलेज चौक, यहाँ से आप NIT के लिए भी जा सकते हैं, और ये दूसरा रास्ता है हमीरपुर के लिए है, और हम सुजानपुर वाले मार्ग से आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं हमीरपुर, और साथ में गोलू का भाई भी है। तो और ये देख सकते हैं हिमाचली फौजी और पूरी गैंग, और नीशू भी हमें मिल गई है, लड्डू की बड़ी सिस्टर। गाइस, हम खा लेते हैं जलेबी, और जलेबी खाने के बाद हम निकलते हैं फिर गोलगप्पे खाने की ओर। और यहाँ पे हम घूमते हुए, ये देखो हमीरपुर की हसीन गलियों में। तो गाइस, फाइनली गोलगप्पे खा के हम फिर से निकलते हैं यहाँ से, और अब हम जा रहे हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए सेलिब्रेशन कैफे। तो हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे आई लव फूड, बहुत ही अच्छी डेकोरेशन यहाँ पे की गई है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ का नज़ारा होने वाला है। हम खाएंगे पिज़्ज़ा और पियेंगे कॉफ़ी। तो हमारी पूरी गैंग आप देख सकते हैं आ चुकी है कैफे के अंदर, और यहाँ पे ऑर्डर हमने दे दिया है, ऑर्डर लेके जाती हुई मैडम। तो मैडम जी फिर से देख रही हैं कि मेरे कुछ और खाना है, तो और हम कर रहे हैं कॉफ़ी का वेट। थोड़ी देर के बाद आने वाली है हमारी कॉफ़ी, और तब तक बच्चे खेल रहे हैं, और फाइनली कॉफ़ी हम पी भी ली है थोड़ी, और पिज़्ज़ा भी हमारा आ चुका है। अब हम खाएंगे पिज़्ज़ा, देखो बहुत बड़ा पिज़्ज़ा है, हम थोड़े थोड़े करके खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाते, हम टेस्ट करने के लिए हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो वैसे ही और चीज़ें खा के हमारा पेट भर चुका था, तो फाइनली हम पिज़्ज़ा खा के फिर टेस्ट करके थोड़ा। और गाइस, आप देख सकते हैं ये पनीर पिज़्ज़ा है, और यहाँ पे फ़ोटो शूट भी हो रहा है, साथ में वीडियो वगैरह बन रही हैं, और ये कॉफ़ी भी पी जा रहे हैं बच्चे। तो लड्डू, लड्डू क्या पिएगा? लड्डू को कोल्ड ड्रिंक मोबाइल पीते नहीं हैं। और चलो हम खाते हैं पिज़्ज़ा, करते हैं शुरुआत। गाइस, फाइनली हम पिज़्ज़ा खा के हम आ चुके हैं, घूम फिर के शॉपिंग कर ली है, और ये देखो हम पार्किंग में गाड़ी लगाई है यहाँ पे। गाइस, आप देख सकते हैं डुगू चलते हुए गाड़ी की तरफ, और हम दो दिन रील्स हमने बनाई हैं, तो आप हमारी रील्स इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, रामराम राजपूत इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहाँ पे आप हमारी रील्स देख सकते हैं। तो गाइस, ये देखो डुगू की मासी और डुगू, तो बहुत बहुत प्यारी रीलें हम बनाते हैं, तो सारी रील्स आपको देखने को इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और जो मेरी इंस्टाग्राम चैनल पर नए हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाले ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइस, फाइनली हम घर पहुँच गए हैं, और दिवाली का त्यौहार शुरू हो गया है, तो हमने डेकोरेशन वगैरह कर दी थी मैंने आके। अब हम शॉपिंग करने के लिए निकलेंगे कल मॉर्निंग में, हम दिखाएंगे आपको वहाँ का सुजानपुर का नज़ारा। तो गाइस, आप हमारा घर का व्यू दे
देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से। और हमने डेकोरेशन मैंने खुद की है, तो डेकोरेशन मेरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। ये देखो लाइटिंग हमारी, हाँ गाइस। तो गाइस हम चलते हैं आज सुजानपुर की ओर, और हमारे साथ हैं सब्बू, बन्नू और हिमाचली फौजी और मैं। तो हम चलते हैं सुजानपुर की ओर और दिखाएंगे वहाँ का नज़ारा, बहुत ही प्यारा होने वाला है आगे का ब्लॉग हमारा। और ये हमारे खेत, ये हसीन वादियाँ और ये हसीन खेत आपको दिखते हुए, और सामने पीपल का पेड़, ये बुजुर्गों के टाइम के पेड़ लगे हुए हैं, बहुत प्यारे लगते हैं पहाड़ों के ऊपर। और यहाँ हम पहुँच गए हैं गाइस सुजानपुर में, और देख सकते हैं हमारे डॉन साथ में हैं। और यहाँ पे मेला की तरह मेला लगाया गया है, और ये देखो डॉगी पूरी नींद पूरी करता हुआ। तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही लोग, ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं पटाखा लेने के लिए। और पटाखे बहुत ही महंगे हो गए हैं, तो हम भी करेंगे खरीदारी, हम करते हैं लास्ट में। गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही सारी लाइटें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो ये देखो शॉपिंग करते हुए हमारे डॉन, तो यहाँ पे मिल जाते हैं हमारे दोस्त। ये देखो हम दोस्त से बात करके फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखे तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी पूरे शहर में, गलियों में सुजानपुर की हसीन गलियाँ आज भर चुकी हैं। गाइस हम पहुँच गए जलेबी लेने के लिए, और यहाँ पे ले रहे हैं जलेबी हम, मस्त हलवाई की दुकान है यहाँ पे। तो ये यहाँ की जो जलेबी है बहुत ही मशहूर है पूरे सुजानपुर में, हमीरपुर में भी। तो फाइनली गाइस हम पहुँच गए हैं कैफे में, और यहाँ पे पियेंगे हम सोडा, लेमन सोडा, आई लव लेमन सोडा। सोडा पीने के बाद हम निकलते हैं फिर आगे की ओर, फिर दिखाएंगे नज़ारा और खूबसूरत। तो गाइस रात हो चुकी है, अब हम घर की ओर चलेंगे। तब तक आप देख लो यहाँ पे दिवाली मनाई जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, अस्तबाजियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो बहुत ही प्यारा दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं सुजानपुर ग्राउंड से। और ये बच्चे देखो बहुत धूमधाम से दिवाली मनाते हुए। तो गाइस फाइनली हम सुजानपुर को बाय बाय करते हैं और चलते हैं घर की ओर, और दिखाएंगे घर का नज़ारा। तब तक आप बन रहे हैं हमारे ब्लॉग के साथ, क्योंकि हमारा नेक्स्ट ब्लॉग में हम दिखाएंगे कि हमने दिवाली का सेलिब्रेशन कैसे किया, दिवाली त्यौहार को किस तरह से मनाया। तो जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ब्लॉग को देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बने रहें आप हमारे साथ और दें हमें इजाज़त। तो फाइनली अब हम घर पहुँच चुके हैं, तो अगले ब्लॉग में हम दिखाते हैं नज़ारा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।